सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू वो बेल आइकॉन दबाकर पाए परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। शुक्रवार को हुसैनाबाद स्थित कर्नल संजय सिंह के आवास पर भाजपा द्वारा आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के नेताओं ने गैर भाजपाई हुसैनाबाद के पूर्व जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता में कर्नल सहित कई नेताओं ने मेदिनीनगर में जिला बनाव को लेकर आयोजित धरना कार्यक्रम को पूर्ण रूपेण विफल करार दिया। कहा वाहन कार्यकर्ताओं के पहुंचने का इंतजार करते रहे, अंततः वाहनों को खाली ही जिला मुख्यालय जाना पड़ा। कर्नल संजय सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव के बाद वर्ष 2015, 16, 17 और 2018 तक जिला बनाने का उन्हें कोई याद नहीं रहा। कहा लगता है सभी को यह मालूमात लग गए हैं कि भाजपा ने सरकार जिला बनाने के लिए कार्यारंभ कर चुकी है, जनता सही समय पर जवाब देती है और आगे भी देगी। पूर्व में सिंचाई योजनाएं बनी लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच सका, परंतु अब भाजपा ने सरकार में स्थितियां बदली है। नक्सल मुक्त राज्य बनाने की ओर भाजपा सरकार बढ़ रही है। विपक्षी राजनीतिक दल जनता को ठगना बंद करे। कहा वंशानुगत राजनीति का भाजपा पुरजोर विरोध करती है, अन्य पार्टियां बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बनकर रह गए हैं। राज्य का भला करने का मादा सिर्फ भाजपा ही रखती है। मौके पर भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के सदस्य अशोक सिंह, हुसैनाबाद इकाई मीडिया प्रभारी संतोष सिंह, मंडल अध्यक्ष जेके पासवान, राजेश कर्ण, अखिलेश मेहता सहित कई नेता उपस्थित थे। जिन्होंने हुसैनाबाद को, लोग कहते हैं कि मैंने बड़ा काम किया, ये किया वो किया, और उनको किस तरह से जो हुसैनाबाद की छवि थी पूरे देश में प्रस्तुत किया है, ये मुझे बहुत कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वो CBI, ED और ये सब बता देगा, क्योंकि कब वो जेल जाएंगे ये भी नहीं पता है। जहाँ तक जिला बनाने की बात है, जिला सरकार बनाती है, ये जिला बनाने के लिए प्रयत्न नहीं हो रहा है, ये विधायक बनने का प्रयत्न हो रहा है। और यही बौखलाहट है कि कभी ये दूसरी पार्टी में जाने का प्रयास सुनने में आता है, कभी दूसरी में। लेकिन हुसैनाबाद की जनता बहुत जानती है, समझती है, ऐसे लोगों के जो ये बहलावे वाले वादे हैं इसको बिल्कुल खारिज करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और 1990 के बाद इस बार हुसैनाबाद में भारतीय जनता पार्टी अपने कमल के फूल को उसके कार्यकर्ता जिता के भेजेंगे। हमारे यहाँ उम्मीदवारों की कोई लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक लोक व्यवस्था से पैदा हुई, जनता के हित में काम करने वाली और राष्ट्रहित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं और जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा, हम लोग यहीं बैठकर निश्चित रूप से उसको चुनाव भी लड़वाएंगे।